मैं अपने सर्टिफिकेट्स लेने सैटरडे को कस्तूरबा कॉलेज गई। वहाँ मेन गेट को क्रॉस करने के बाद गार्डन आता है, उसके बाद मेन ऑफिस। ऑफिस की तरफ जाते वक्त गार्डन की हरियाली नाचती हुई परछाइयाँ लग रही थी। ना किसी पंछी की आवाज़, ना किसी कुत्ते के भौंकने का शोर। सैटरडे है, कॉलेज की छुट्टी है मालूम है, पर इतना सन्नाटा तो कभी नहीं हुआ। एक अजीब सी बेचैनी के साथ मैं ऑफिस की तरफ जा रही थी, ऐसा लगा किसी ने मेरी कान में फूंक मारी हो। व्हाट द हेल, मैंने रुककर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैंने ऑफिस की तरफ अपनी स्पीड और तेज कर ली। एकदम सुनाई दिया जैसे कोई एक पैर के साथ मेरा पीछा कर रहा है, पर वो मेरी तेज रफ्तार को कैसे मैच कर सकता है। यही सोच रही थी कि तभी एक और फूंक ठीक मेरी गर्दन के पीछे आके लगी। मैंने फौरन भागना शुरू कर दिया। मेरे भागते ही वो एक पैर की आवाज और तेज हो गई। जैसे ही गार्डन खत्म हुआ, मेन बिल्डिंग को देखकर मैं अपने होश में आई। कॉल किया तो किसी के भागने की आवाज अब नहीं आ रही थी। मैंने अपनी सांसों को नॉर्मल किया और सीधा बिल्डिंग के अंदर चली गई। वहां मैम ने मेरी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं गार्डन की तरफ से आ रही थी, तभी उन्होंने मुझे बीच में ही रोका और कहा, वहां से क्यों आई तुम, तुम्हें नहीं मालूम क्या, वहां पर एक मौत हुई थी। एक हैंडीकैप लड़के ने गर्लफ्रेंड के डिच करने पर खुद को गोली मार ली थी। आइंदा से वहां से मत आना, वहां से कोई नहीं आता, अगली बार फ्रंट गेट से आना। इसका मतलब जो सब मैंने महसूस किया वो सब सच था।